नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 21 में और मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों की ओर। एक और जहां हमारी संस्कृति दिन प्रतिदिन पश्चिमी सभ्यता के जाल में फंसती जा रही है और लोग अपनी सभ्यता संस्कृति को भूलकर महिलाओं में किटी पार्टी, डिस्को और क्लब जैसे कल्चर का चलन बढ़ा है, वहीं महावा में महिलाओं का एक समूह महेश्वरी माता सेवा न्यास समिति बनकर धार्मिक कार्यों को बढ़ावा देने में जुटी हुई है। महिलाओं के द्वारा श्री शिव पुराण कथा का आयोजन कराया गया, जिसमें शिव पार्वती बने बच्चों की सभी ने प्रशंसा की, तो वहीं महिलाओं के धार्मिक कार्यक्रम की सराहना हो रही है। शहर के राखानापुरम में स्थित श्री महेश्वरी मैया मंदिर में शिव पुराण कथा का आयोजन किया गया है। आयोजित कथा में भगवान शिव की लीलाओं और श्री शिव विवाह का वर्णन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक शास्त्री योगेंद्र तिवारी महाराज ने अपने मुखारविंद से भगवान महादेव एवं माता पार्वती की जीवन कथा का वर्णन करते हुए कहा कि भगवान महादेव बड़े ही सहज, सरल एवं करुणा के स्वरूप हैं। उन्होंने कहा कि प्राणी मात्र के कल्याण के लिए भगवान महादेव ने समस्त प्राणियों में दया और प्रेम से जीने का दर्शन कराया। परिवार एवं समाज में कैसी भी विषम परिस्थितियों हो, पर धीरज और धर्म से सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, जिसमें बच्चों ने भगवान शिव और पार्वती बनकर सबका मन मोह लिया। इस दौरान महिला समिति के आयोजकों संतोष अवस्थी, सरला तिवारी ने कहा कि इस कथा को कराने का उद्देश्य आम लोगों में ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास बढ़ाना है। ऐसे धार्मिक आयोजनों से हमारे बच्चों, युवा पीढ़ी को भी धर्म और सनातन को जानने समझने की सीख मिलती है। ये शिव महाकथा चल रही है और यहाँ पर पर डे समथिंग 450-500 लोग आते हैं। ये हमारा महेश्वरी मंदिर नकानापुरा में नगर पालिका के पास है, जो यहाँ पर है। और हम लोगों ने अपनी एक, हम सभी बहनों ने आपस में बात की कि सभी मंदिरों में कुछ ना कुछ होता है, हमारी मैया के यहाँ भी हम लोगों को कुछ करना चाहिए। तो हमारी सभी मातृशक्तियाँ जो हैं वो बोली बिल्कुल अपन को करना चाहिए। हमने क्या कराई है, मैया ने कराई है, माता महेश्वरी माता ने कराई है। ये संगठन हमारा माँ महेश्वरी माता सेवा न्यास के नाम से है और इसमें समस्त महिलाएं हैं। और हम लोगों ने ये समिति बनाई थी कि जो बेसहारा, गरीब या मंदिर जो हमारी माँ महेश्वरी मैया हैं, उसमें कुछ ना कुछ आयोजन होते रहें। और इस उद्देश्य से हम लोगों ने छोटे छोटे कार्यक्रम, जैसे नवरात्र में कन्या भोज कराना, हवन कराना, और हर माह है हम लोग सुंदरकांड का पाठ रखते हैं माँ महेश्वरी मंदिर में, और रोज शाम को भजन भी होते हैं। और हम सब माताएं बहुत हर्षोल्लास के साथ ये सब आयोजन पूरे कर रहे हैं। और बस यही उद्देश्य है कि बस आगे हम आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे हम लोगों को, और ये समिति बहुत अच्छे अच्छे काम करे आगे चलकर, और सब लोगों का सहयोग चाहते हैं हम इस समिति के लिए। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 21।